नॉट ओनली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लेकिन उन स्किल सेट्स के साथ जो हमारे पास मौजूद है, तो देर इट बिकम्स अ पार्टनरशिप भी, जैसा इन्होंने बताया कि भाई एक्सचेंज हो रहा है, ये एक तरह का आइडियाज़ का एक्सचेंज है जिससे बेहतरी तो होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, बच्चे यहीं के यहीं रहेंगे और यहाँ का नूरपुर का कई सारे नए उद्योग की वजह से और नए आइडियाज़ की वजह से नूरपुर में एक नया चांद निकलेगा। आइडिया 10 लाख में विनर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है और आने वाले समय में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जरा बताइए। देखिए, ऐसा है कि आइडिया 10 लाख का है लेकिन इससे इकॉनमी बहुत करोड़ की जनरेट हो सकती है और खुशी इस बात की है कि किसी ने तो हमसे पूछा कि आप किस तरह आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं श्री अजय महाजन जी के कि उन्होंने हमसे पूछा और हमने अपने आइडियाज़ को उनके साथ शेयर किया और मुझे ये श्योर 100% एक विन विन सिचुएशन हम क्रिएट करने जा रहे हैं जिनमें लीड वो करेंगे और हम उनकी उंगली पकड़ के साथ चलेंगे और बड़ी जल्द नूरपुर को विकसित बनाने के लिए अपना संघर्ष और उसको विकसित बना के रहेंगे। थैंक यू। आप आइडिया 10 लाख जो मुहिम चलाई गई थी उसमें विनर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आभार, जैसे कि मैंने कहा कि आभार व्यक्त करते हैं श्री अजय महाजन का, उनके सुपुत्र अमर महाजन का और उनकी टीम का, जिन्होंने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म शेयर किया जिसके तहत हम अपना ओपनली अपने सारे जो आइडियाज़ थे वो शेयर कर सकते थे और जिससे मैं कह सकता हूँ कि एक यूथ को एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का और यूथ के लिए रोज़गार का जो उन्होंने अवसर मुहैया करवाया उसके लिए जो प्लेटफॉर्म है, जो सबसे बड़ी बात थी कि जो आज तक किसी ने हमारे लिए इतना सोचा नहीं था, किसी भी पॉलिटिकली इशू उस चीज़ों को साइड में रखते हुए इन्होंने ये चीज़ की है जिसके लिए हम इनको तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करते हैं और आने वाले टाइम में ये देखेंगे कि अमर जिसको आगे जिन्होंने जिनके भी जो आइडियाज़ थे वो आगे कैसे लेंगे। जैसा कि आप एक युवा भी हैं लेकिन जब ये मुहिम स्टार्ट हुई थी कुछ लोगों का इसको चुनावों को लेके भी जोड़ना था, उसको लेके क्या कहेंगे आप? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि पॉलिटिकली हम इस चीज़ को कोई भी नहीं देख रहा था। जो आप ये कह सकते हैं कि जो दूसरी तरफ की अगर पॉलिटिकली जो पार्टीज होती हैं वो ये ऐसे आइडियाज़ को हमेशा आप नीचे गिराने के लिए देखती है, लेकिन यही मेरा मानना है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अगर आप देखेंगे ये कांग्रेस या बीजेपी या किसी भी उससे रिलेटेड नहीं थे, पर जो भी यहाँ पे लोग आए हैं वो सिर्फ ये देख के आए हैं कि जो प्लेटफॉर्म उन्हें मुहैया करवाया गया है और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो तरीका है बस उसी के लिए आए हैं, किसी और अन्य चीज़ के लिए नहीं है। हाँ जी, ये जो मुहिम आइडिया 10 लाख की चलाई गई थी आप इसमें विनर रहे हैं, तो कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री अजय महाजन जी का, अमर महाजन जी का, जो हमारे बड़े भाई समान हैं, उन्होंने इस मुहिम की शुरुआत करी, आइडिया 10 लाख का एक लेकर आए, इनोवेटिव आइडिया क्रिएट किया। सो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर कोई इनोवेटिव आइडिया लेकर एक अच्छे वे में रिप्रेजेंट करता है तो हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए, ना कि उसकी बुराइयाँ करनी चाहिए किसी पार्टी विशेष का तकबा लेकर। आइडिया 10 लाख का हमारे पास काफ़ी टाइम से हम आइडिया से आते थे, हम फेसबुक में या कहीं से देखते थे रोजगार के अवसर के लिए, लेकिन हम उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे, हम बस देखते थे और जॉब करते रहते थे। लेकिन जब सर ने ये मुहिम चलाई है कि आइडिया 10 लाख, तो हमें एक उसमें आने का एक अवसर मिला, हमने अपने आइडिया शेयर करे और जो हमें इनामी राशि मिली है हम उस आइडिया में जो हमने बिजनेस करना है उसमें हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि अपने क्षेत्र में रोजगार के अवसर शुरू हों। थैंक यू। आइडिया 10 लाख मुहिम में इनाम प्राप्ति के लिए आए हुए थे, कैसा फील हुआ? मेरा नाम आतिथ्य ही है। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ आज जो भी यहाँ से इनाम जीत के जा रहे हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ श्री अजय महाजन जी का, जो इस तरह की मुहिम जो है हमारे नूरपुर क्षेत्र के लिए लेके आए हैं ताकि हमारा जो नूरपुर का युवा है वो एंटरप्रेन्योर बने, क्योंकि इस मुहिम के कारण बहुत से युवाओं ने अपने विचार जो है उनके समक्ष रखे हैं और ये जो विचार हैं ये नूरपुर की उत्पत्ति के लिए, बहुत नूरपुर को डेवलप करने के लिए बहुत ही काम आएंगे और इन सब के लिए हम बधाई के पात्र हैं। मैं सर को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी।